बारात लेकर एक ही दुल्हन के घर पहुंचे दो दूल्हे, लोग हुए हैरान। दिखी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या आपने कभी सुना है किसी शादी समारोह में एक दुल्हन से शादी करने दो दूल्हे पहुंच गए हों? आप कहेंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये घटना हुई है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, जहां एक गांव में एक ही दुल्हन से शादी करने दो दूल्हे पहुंच गए। हैरानी की बात ये कि जो दो दूल्हे शादी के मंडप तक लड़की से शादी करने पहुंचे थे, उसमें एक युवती का प्रेमी भी था, जबकि दूसरे दूल्हे को युवती के घर वालों ने चुना था। मंडप पर दो दूल्हे के पहुँचते ही हड़कंप मच गया। ये अजीबोगरीब मामला कन्नौज के ककलापुर गांव का है, जहां सौरिक थाना क्षेत्र से दूल्हा बारात लेकर शादी के लिए पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचे बारात का स्वागत करने घरवाले पहुंचे। जब शादी की रस्में चल रही थी, उसी दौरान वहां दूल्हे का प्रेमी भी बारात लेकर पहुंच गया। प्रेमी को देखकर दुल्हन तो खुश हो गई, लेकिन वहां बाकी लोग हक्का बक्का रह गए। प्रेमी की बारात देखने के बाद युवती के माता पिता द्वारा चुने गए लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया। इससे पहले कि वहां बवाल बढ़ता, कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी और दुल्हन को हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में सुलह के लिए बातचीत होने लगी। बता दें, युवती के प्रेमी को भी 23 जून को शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वो बारात लेकर प्रेमिका के घर पहुंच गया। प्रेमी की जिस परिवार में शादी होनी तय थी, वो भी मौके पर पहुंच गए और प्रेमिका ने उसकी शादी का विरोध करने लगे। तीनों पक्षों में चली घंटों की बातचीत और पंचायत के बाद युवती के परिजनों ने दूल्हे का सामान वापस कर दिया। दुल्हन ने भी तिलक में मिली बाइक वापस कर दी। वहीं दूसरी ओर युवती के प्रेमी ने जहां शादी तय हुई थी, उस परिवार को धनराशि वापस कर समझौता कर लिया। तीनों पक्षों ने अपना अपना समझौता पत्र पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद युवती की शादी उसके प्रेमी के साथ पुलिस की मौजूदगी में करा दी गई। वहीं बारात लेकर आया दूल्हा शादी न होने पर मायूस था। इसी बीच गाँव का ही एक परिवार सामने आया और अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव युवक के सामने रख दिया, जिसके बाद दूल्हा तुरंत तैयार हो गया। इसके बाद रात में ही दोनों दूल्हों की शादी हो गई।